कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्तवि कर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। इंसान जिंदा है, उसे साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलने वाला है। इसीलिए वक्त निकालकर कुछ दिनों के लिए शहर से बहुत दूर जा रहा हूँ, ताकि रोजमर्रा के भागदौड़ से अलग हटकर अपने उपन्यास पर कंसंट्रेट कर सकूं। ऐसा लगा जैसे कोई दुल्हन यहाँ से पायल पहन के गुजरी हो। तुम तो वही लड़की हो। देखो देखो, मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप लोगों में से किसी ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और ना ही मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने आई हूं। मैं किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? मैं तो खुद एक भटकती हुई आत्मा हूं। क्या आत्मा? हाँ, आत्मा। तो तुम कहती हो तुम आत्मा हो, फिर ये कैसा भ्रम का जाल फैला रखा है? और इसके लिए तुमने हमें क्यों चुना? मैं क्या करूं, मेरी मौत की वजह आप लोगों के पास है। हमारे पास? हाँ, शायद आप लोगों ने कुछ भी ध्यान से नहीं देखा जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या गौर से नहीं देखा? अब तक आप लोगों ने सिर्फ मुझे देखा, लेकिन शायद उस कार को गौर से नहीं देखा जो मेरी मौत का कारण है। देखो तुम लोग उस कार को, ध्यान से देखो। तो हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी। ये रही चाबी और ये है आपकी गाड़ी। अब इसकी क्या जरूरत है? विशाल जी, आप हमारे पब्लिकेशन के लिए इतने लकी हैं कि जब से आपने अपना नॉवल हमें दिया है, या यूं कहिए कि जब से हमने आपका नॉवल पब्लिश किया है, हमारे पब्लिकेशन की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। तो ये बस उसी का एक तोहफा है। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया सुजीत बाबू, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे दोस्त हैं, हैं कि नहीं? बेशक। तो फिर ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा है। नहीं नहीं सुजीत बाबू, अब आप मुझे आपको मेरी बात तो माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है फिर तो, मुझे मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, ये लीजिए। थैंक यू। हाँ
ये गाड़ी तो हमें सुजीत ने गिफ्ट में दी थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सुजीत ने आपको ये कार गिफ्ट में दी है और वो आप लोगों की नजरों में महान बन गया है, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि सुजीत जो कुछ भी करता है वो उसका पब्लिसिटी स्टंट होता है। उसने आप लोगों को ये कार दी है, उसके पीछे भी एक खास वजह है। कैसी वजह? बताती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे राइटर थे, उन्हें लिखना बहुत अच्छा आता था, लेकिन उन्हें अपने आप को और अपनी कला को बेचने का हुनर नहीं आता था। पब्लिशर्स ने उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया, ठगा, लूटा, और फिर वही हुआ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से समय से पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन पापा, पापा, माँ, माँ, पापा हमें छोड़ के चले गए, पापा हमें छोड़ के चले गए, माँ। बेटी, बहुत जिंदगी झेली, अब ये रोना धोना छोड़ दो, ये अस्पताल है और यहाँ मरीज के पास बिस्तर तब तक रहता है जब तक उसकी जिंदगी है। बेटी, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ, इसे तुम बेच दो। नहीं माँ, नहीं माँ, मैंने कल पब्लिशर से बात की है, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। माँ, माँ। नहीं बेटी, अरे जिसने जिंदा होते हुए उनकी मदद नहीं की, वो उनके मरने के बाद क्या मदद करेगा? जाके इसे बेच दो, ताकि उनकी अंतिम क्रिया का हम लोग बंदोबस्त कर सके। ठहरिए। आप मुझे नहीं जानती, मैं सुजीत कुमार हूँ, ज्योति पब्लिकेशन का मालिक। पिछले महीने मुझे आपका खत मिला था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाया क्योंकि किताबों के एग्जीबिशन के सिलसिले में मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। काश मैं वक्त पर यहां पहुंच पाता और एक महान लेखक की जान बचा पाता, लेकिन अब मैं आपका ये मंगलसूत्र बिल्कुल नहीं बिकने दूंगा। आपके पति ने मरने से पहले एक कहानी लिखी थी जो मेरे पास रखी है, मैं उसे छाप तो नहीं पाया, लेकिन उसका मुआवजा लेकर आया हूं। मैं नहीं चाहता कि सुधीर जी मरने के बाद चैरिटी पर निर्भर करें। प्लीज आप इसे स्वीकार कर लीजिए, ये उनका मेहनताना है। काश ये सब कुछ आपने उनके जीते जी किया होता। आप प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए, मैं हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं, प्लीज। उस समय सुजीत देवता समान लगा, दुख, मुसीबत और जरूरत के समय उसके पैसे बहुत काम आए। मेरे पापा की अर्थी को इज्जत के साथ शमशान पहुंचाया गया। अपने पापा का अंतिम संस्कार
मैंने खुद अपने हाथों से किया। शमशान में मोहल्ले के लोगों के अलावा सुजीत भी थे। पब्लिशर्स के दिलों में हम माँ बेटी के लिए बहुत गहरी नफरत थी, लेकिन सुजीत उन सब में से अलग थे। अपने पापा की तरह मेरे अंदर भी एक राइटर निहारिका बैठी हुई थी। अपने पापा का अंत तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया था, फिर भी कला का जुनून इंसान को चैन से जीने नहीं देता। सब कुछ जानते हुए मैंने भी राइटिंग की फील्ड में कदम रखने का फैसला कर लिया। तुम्हें क्या हो गया है बेटी? तुम्हारे पापा की मौत का गम कुछ कम है जो तुम ये सब कुछ करना चाह रही हो? मैं जानती हूँ माँ, मगर मेरे मन में एक अजीब तरह की बदले की भावना है। मैं राइटिंग की इस फील्ड में अपने पैर जमाकर अपने पापा की सारी तकलीफों का बदला लेना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है कितनों ने तुम्हारे पापा के पैसे खा लिए, कितनों ने तो उन्हें मिलने वाली शोहरत खा ली। नहीं निहारिका, मैं तुम्हें पापा के इस रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़कर एक अच्छी सी नौकरी कर लो, ताकि मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हें एक अच्छा सा जीवन साथी मिले और तुम्हारे हाथ पीले हो जाए। लेकिन भूल कर भी राइटिंग की इस दलदल में दोबारा जाने की कोशिश भी मत करना। ये आप क्या कह रहे हैं सुजीत बाबू? आप? हाँ। आप एक लेखक की पत्नी होकर अपनी बेटी का रास्ता रोक रही? जी नहीं, मैं अपनी बेटी का रास्ता नहीं रोक रही हूँ, बल्कि उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा रही हूँ। सुजीत जी, अगर उस वक्त आप अस्पताल ना आए होते तो मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर भी अस्पताल का बिल नहीं चुका पाती, ना ही शमशान में उनके लिए लकड़ियां खरीद पाती। अरे आग लगे ऐसी लिखाई को जो आदमी अपने कफन के पैसे भी ना जोड़ सके। देखिए, कभी कभी किस्मत भी एक इम्तिहान लेती है। आपके पति की किस्मत में शायद यही लिखा था, लेकिन आपकी बेटी की किस्मत में भी ऐसे ही लिखा हो ये जरूरी तो नहीं। चलिए एक काम करते हैं, निहारिका जी का इम्तिहान ले लेते हैं। इम्तिहान? हाँ इम्तिहान। अगर ये इस फील्ड में कामयाबी हासिल करती हैं, तो आपके पति की आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। निहारिका, तुम तैयार हो इम्तिहान के लिए? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता से वो लेखनी की आग तुम्हें मिली है या नहीं। अगर ऐसी बात है सुजीत बाबू, तो मैं आपको अपनी पहली लिखी हुई कहानी अभी देती हूँ। ठीक है। क्यों माँ? जैसा तुम ठीक समझो बेटी। मैं अभी लाई। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी। अरे आप यहाँ? हाँ निहारिका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? तुमने जो कहानी मुझे दी थी उसका दामनी मैगजीन वालों ने ले लिया और उसका मुआवजा उन्होंने मुझे भेज दिया है। ये रहा तुम्हारा 2500 का चेक। 2500? हाँ। पापा को तो 250 रुपया नहीं मिलता था उनकी कहानियों का, उसके लिए भी उन्हें 20-20 बार दौड़ना पड़ता था। भूल जाओ उन बातों। देखो निहारिका, साहित्य जगत में तुम्हें लाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और ये तो एक बिजनेस है। सोने को भी पंसारी की दुकान पे नहीं बेचा जाता। बस तुम देखती जाओ मैं तुम्हें किन बुलंदियों पे पहुंचा देता हूँ। सच पूछिए तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में 2500 का चेक है। इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है। नहीं 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 निहारिका, तुम सोच और उसकी औकात की बात मत करो। अरे जौहरी के यहाँ तो कांच के टुकड़ों के भी दाम लग जाते हैं। अब तुम तो एक हीरा, एक कीमती हीरा। बस तुम देखती जाओ, अगर लोगों से मैंने तुम्हारी पूजा ना करवा दी
तो मेरा नाम भी सुजीत है। निहारिका, मैं सुजीत के इस रूप से बिल्कुल अनजान था। उसका असली रूप तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ही नहीं। दुख मुसीबत में जिस तरह वो मेरे सामने आया, जिस तरह उसने मुझे सपोर्ट किया, वो मुझे एकदम देवता के समान लगा और मेरे मन में उसके लिए एक खास जगह बनती गई, प्यार की जगह। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी और सुजीत की उम्र में कितना फर्क है? हाँ, लेकिन जिस तरह सुजीत मेरे इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत का जाल बनाता गया, मैं उसके जाल में उलझती गई। वैसे भी वो ऐसे खेलों का तो माहिर खिलाड़ी है ना, और मैं अनजान नादान कुछ भी न समझ पाई। मगर तुम इतनी नादान भी तो नहीं थी कि तुम्हें ये ना पता चले कि सुजीत एक शादीशुदा इंसान है। वो शादीशुदा इंसान इतना स्मार्ट है कि किसी को भी अपनी बातों में बहला फुसला कर मैनिपुलेट कर सकता है, और वो तो ऐसा शातिर खिलाड़ी है जिसकी चाल की काट मेरे पास नहीं थी। वो मुझे बड़े बड़े सपनों के महल दिखाता गया और उनकी कीमत भी मुझसे वसूल करता रहा। बहुत ही सुहाना मौसम, चलो आज तुम्हें जन्नत की सैर कराई देता हूँ। ये आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? क्यों, भरोसा नहीं है मुझे? भरोसा तो है, लेकिन इस रास्ते पर मैं आपके साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती हूँ। मेरी क्लास में और आपकी क्लास में काफी अंतर है जो सिर्फ भरोसे से खत्म नहीं हो सकता। तो फिर कैसे खत्म हो सकता है, तुम ही बताओ। देखो निहारिका, तुम्हें नहीं पता, तुम रूप और गुण दोनों में भरपूर हो। थोड़े ही समय में तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को चांद की धुंध की तरह आकर ढक लिया है। बहुत ही अकेला महसूस करता हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल अधूरी है मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आपकी जिंदगी अधूरी नहीं है, आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, और आपकी तो बीवी भी है ना। उसका नाम बदलो निहारिका। निहारिका, तुम तो राइटर हो, तुम मेरी बात समझ सकते हो। देखो निहारिका, समाज कभी कभी दो शरीरों को तो मिला देता है, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं मिल पाती। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरा शरीर तो शादीशुदा है, लेकिन मेरा मन अभी भी खोला है, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा अधूरापन छटने लगता है। देखिए, ये अधूरापन कभी नहीं छट पाएगा। मैं एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की हूं, चाहते हुए भी मैं आपका हाथ नहीं थाम सकती। क्यों क्यों नहीं थाम सकती तुम मेरा हाथ? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी पत्नी है, हाँ उससे कोई औलाद नहीं है। देखो निहारिका, मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, एक दूसरी लड़की को इज्जत के साथ रख सकता हूं। अब यह और बात है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी उम्र के बीच ऐसा फासला है। अगर आप एक लड़की को समाज में वो इज्जत दिला सकते हैं जिसकी वो हकदार है, तो फिर मैं उम्र के इस फासले को नहीं मानती। निहारिका, थैंक यू वेरी मच। आज ये बात तुमने कहकर मुझे एक नई जिंदगी दे दी। अब मैं तुम्हारे इस फासले को खत्म करने का इंतजाम करता हूं, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा हक कैसे दिया जाए इसका भी इंतजाम करता हूं। ओके, अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। बोम भद्रम कर्णेर्विश्रुणयाम देवः भद्रम पशेमाक्षभिर्यजत्राः
पथिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाक्त्वं शस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पागल हो गई हो? अरे कौन से नशे के प्रभाव में आकर तुमने ये सब कर डाला? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? अरे बेटी तुम लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे वो तुमसे खेलना चाहता था, खेल लिया। अरे अब वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। ठीक कहा तुम्हारी माँ ने, सुजीत जिसे मैं भाई साहब कहते नहीं थकती थी, इतना घटिया आदमी है। छी, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मैं इसमें तुम्हें दोषी नहीं कहूंगा। सुजीत ने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हारे इर्द गिर्द अपने छल और कपट का जाल बुना और तुम्हें उसमें फंसा लिया। आपने सच कहा, माँ ने भी सच कहा था। उसने तो मुझे इस तरह से पहचानने से इनकार कर दिया जिस तरह राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये बात मेरे समझ में बहुत देर से आई कि शादी के समय समाज का होना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। रास्ते में क्यों खड़ी हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। यही रास्ते में दूर वो मंदिर है जहां तुमने मेरे साथ शादी की थी। वहां भगवान शिव की मूर्ति है, उनके सामने जाकर कहो कि तुम मुझे नहीं पहचानते। बेवकूफ लड़की, अगर पत्थर की मूर्तियां गवाही दे सकती तो मैं ये बेवकूफी हरगिज नहीं करता। अगर तुम चाहो तो अब भी मैं वहां चलकर यह कहने को तैयार हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां हर रोज कभी अपनी कहानी सुनाने तो कभी अपना नॉवल छपवाने मेरे पास आती है, तो क्या मैं हर किसी से शादी कर लूंगा? नहीं निहारिका, नहीं। और सुन लो, दुनिया आज भी मेरी बात पर यकीन करेगी, तुम्हारी नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कीमत देने को तैयार हूं। अपनी कीमत लो और दफा हो जा मेरी जिंदगी से। कीमत? कीमत तुम चुकाओगे? सुजीत, तुमने आज इस रिश्ते को नहीं, पूरी औरत जात को गाली दी है, और तुम्हारी ये गाली तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं दुनिया को चीख चीख कर ये बताऊंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये मत समझना पैसे वाले लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे। अपनी सच्चाई का सबूत मैं हर हाल में ढूंढ के रहूंगी, और तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगी कि तुम कभी दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा कर सको। मैं कहता हूँ रुक जाओ निहारिका, निहारिका रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ निहारिका, निहारिका रुक जाओ। Thank you.
मेरा कोई भी शब्द तुम्हारे दुख पर मरहम का काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही है। अगर मैं विधाता होता तो तुम्हें एक नई जिंदगी देता, और सुजीत को भयानक मौत। मुझे अफसोस बस इस बात का हो रहा है कि मैं उसी कार का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे तुम्हारी हत्या की गई। अब तो उस कार की तरफ देखने को भी जी नहीं करेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं उस कार में नहीं बैठूंगा। हमें भले टैक्सी में यहां से वापस जाना पड़े, लेकिन उस कार में हम नहीं बैठेंगे। मैं किसी ड्राइवर को हायर करके वो कार सुजीत को वापस कर दूंगा। विशाल जी, अगर आपका यही इरादा है तो यही इरादा मुझे मुक्ति दिला सकता है। मेरी इस अशांत आत्मा को शांति पहुंचा सकता है। मुझे विशाल जी मुक्ति मिल जाएगी। बोलो निहारिका, क्या करना होगा? आपको बस एक तकलीफ करनी होगी। हाँ हाँ, बोलो निहारिका। आप किसी भी तरह सुजीत को यहाँ पर बुलाइए और कहिए कि वो अपनी कार यहाँ से ले जाए। ठीक है निहारिका, कह दूंगा। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उसे देखकर मैं अपने आप पर किस प्रकार काबू पा सकूंगा। नहीं विशाल जी, आपको तो उसको सिर्फ यहां बुलाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है निहारिका, मैं सुबह ही उसे फोन कर दूंगा। विशाल जी, आपका ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। हेलो, सुजीत कुमार बोल रहा हूँ। दिस इज विशाल हियर। अरे विशाल जी, आप कहिए। अरे आप तो वहाँ कुदरत के हसीन नजारे देख रहे होंगे। बंगला भी आपका बड़ी खूबसूरत जगह पे। शुक्रिया सुजीत बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अरे आप हुक्म कीजिए विशाल साहब। पहले ये बताइए कि मेरी पुरानी कार कहाँ है। आपकी कार बिल्कुल सही सलामत है, मैंने उसे बहुत संभाल के रखा हुआ है। और आप देखिएगा, कुछ ही दिनों बाद आपकी कार दर्शन की चीज बन जाने वाली है। मैं लोगों को कहूंगा यही है वो कार जिस पर इस सदी का महान राइटर आया जाया करता था। देखिए सुजीत बाबू, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। अरे ऐसी क्या बात है? दरअसल मेरी यहाँ एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात हुई है, जिन्होंने मुझे बताया कि जिस वक्त मैंने अपने निजी वाहन को बदला वो मेरे प्लान्स के हिसाब से मुआफिक नहीं था। हाँ, अगर यही क्या मैं 2 महीने बात करता तो बेहतर होता। विशाल साहब, आप ज्योतिषियों की बातों पर यकीन करते हैं? नहीं नहीं सुजीत बाबू, ज्योतिषी ने मुझे सच्चाई के ऐसे दर्शन करा दिए हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस ये समझ लीजिए कि उसकी बातों को टालना मेरे लिए नामुमकिन है। अब ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर से आपकी कार भिजवा देता हूं। नहीं नहीं सुजीत बाबू, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद कार ड्राइव करके यहाँ आए, एक रात के लिए मेरे मेहमान बने, मौसम भी अच्छा है, फिर अपनी कार लेकर चले जाइएगा। अच्छा ठीक है विशाल साहब, अब इतने बड़े राइटर की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं पहुंचता हूँ वहाँ। ओके, मुझे आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया विशाल जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया।
इंतजार करवाया सुजीत। कौन कौन है वहां? तुम हाँ, तुमने यही मुझे मारकर जंगल में फेंक दिया था ना सुजीत, भूल गए तुम? उस गरीब औरत को भी भूल गए? निहारिका मुझे माफ कर दो। जिसके पति की लाश के कफन के लिए तुम इंतजाम करने आए थे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस बूढ़ी औरत का मेरे बाद क्या होगा? मुझसे भूल हो गई निहारिका। भूल? एक सीधी सादी गरीब लड़की को तुमने ट्रैप किया, उसकी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया, और तुम उसे भूल कहते हो सुजीत? नहीं सुजीत, नहीं। तुम जैसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। जिस तरह तूने मुझे मारा था। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा भयानक ही होता है। विशाल जी, ऋचा जी, ये आज मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। मैंने आज तक आप लोगों को जो भी तकलीफ दी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वैसे भी आप लोग ये सब बहुत जल्दी भूल जाएंगे। नहीं निहारिका, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, मगर मुझे एक ही चिंता है कि मेरे बाद मेरी मां का क्या होगा। निहारिका, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां अब हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। और हां निहारिका, मैं तुम्हारे ऊपर एक उपन्यास जरूर लिखूंगा। एक लेखक होने के नाते मैं तुम्हें इतनी श्रद्धांजलि तो दे ही सकता हूं।